थाईलैंड फिल्म गदर ने 21 साल बाद सिनेमाघरों में इतिहास रच दिया है। फिल्म गदर ने बॉक्स ऑफिस पर जो कर दिखाया है शायद ही दोबारा होगा। फिल्म गदर की री रिलीज कमाई ने सभी को चौंका दिया है। गदर एक प्रेम कथा फिल्म सनी देओल और अमीषा पटेल की 21 साल पुरानी फिल्म है। फ्रेंड, इस फिल्म का अब सीक्वल आने वाला है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, इससे पहले 9 जून 2023 को फिल्म गदर को सिनेमाघरों में री रिलीज किया गया था। इस फिल्म ने 21 साल बाद वह कारनामा कर दिखाया है जो बड़ी बड़ी फिल्में भी शायद नहीं कर पाएंगी। फ्रेंड, फिल्म गदर ने दोबारा रिलीज होने के बाद इतिहास रच दिया है। फ्रेंड, ये सब 11 अगस्त को आने वाली गदर 2 की हाइप बढ़ाने के लिए किया गया है। फ्रेंड, गदर फिल्म को रिलीज हुए आज 20वां दिन चल रहा है और फिल्म आज भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। फ्रेंड, फिल्म को कुछ सीमित स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फ्रेंड, फिल्म ने अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 30 लाख की कमाई की थी, तो वहीं फिल्म अपने दूसरे दिन 45 लाख के आसपास का कलेक्शन किया। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आने वाली 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है सनी देओल की फिल्म गदर 2, जिसको लेकर फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गदर एक प्रेम कथा की, जिसको आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 20वां दिन चल रहा है। तो फिल्म अभी तक यानी कि अपने पहले 20 दिनों में ये फिल्म टोटल कितनी कमाई कर चुकी है और अब फिल्म को किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो फ्रेंड ये सब जानने के लिए बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप सनी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, अगर बात करें फिल्म गदर एक प्रेम कथा की, तो अनिल शर्मा के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरेश पुरी अहम भूमिका में दिखाई दिए थे। फ्रेंड, जब साल 2001 में ये फिल्म रिलीज हुई थी तो फिल्म का बजट मात्र 19 करोड़ रुपए का था। लेकिन फ्रेंड, अब जब साल 2023 में इस फिल्म को एक बार फिर से 4K रेजुलेशन में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, तो फ्रेंड आपको बताते चले कि फिल्म को दोबारा रिलीज करने पर 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन फ्रेंड, फिल्म को री रिलीज करने पर कितने करोड़ रुपए खर्च हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिल्म को किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म किस तरह से ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है दोबारा रिलीज होने के बाद, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ 400 स्क्रीनों पर फिल्म को रिलीज किया गया था और फिल्म का जो टिकट प्राइस था वो सिर्फ 75 रुपये का था। लेकिन फ्रेंड, बावजूद इसके ये फिल्म अपने पहले 20 दिनों में 3 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास कमा चुकी है। जी हाँ फ्रेंड, 22 सालों बाद दोबारा रिलीज होने के बाद कमाए हैं। फ्रेंड, कोई भी फिल्म हो, चाहे शाहरुख खान की फिल्म DDLJ हो या फिर प्रभास की फिल्म बाहुबली 2, फ्रेंड दोबारा रिलीज होने के बाद इतनी कमाई कभी किसी फिल्म ने नहीं की है। तो फ्रेंड, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सनी देओल की फिल्म गदर 2 री रिलीज होने के बाद इतनी ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है, तो फ्रेंड इससे तो साफ पता चलता है कि जब गदर 2 सिनेमाघरों में दस्तक देगी तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलने वाला है। फ्रेंड, मुझे लगता है कि गदर 2 फिल्म अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर लगभग 100 से 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ओपनिंग लेने वाली है गदर 2। लेकिन फ्रेंड, आपको कैसी लगी फिल्म गदर एक प्रेम कथा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।